design and manufacturing क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। राज्य में सराहनीय उद्योग हेतु आवश्यक कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता है। राज्य में सराहनीय उद्योग को बढ़ावा देने व राज्य के बीकानेर तथा अजमेर सहित शहरी क्षेत्रों को सराहनीय ठाकुर के रूप में विकसित करने के लिए सराहनीय प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। राजस्थान के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने के लिए बड़े औद्योगिक क्षेत्र में रिको द्वारा स्किल डेवलपमेंट हब विकसित किए जाएंगे। साथ ही आईटी कंपनियों को राज्य में अपने डेवलपमेंट और बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए आईटी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस विकसित किए जाएंगे। राज्य में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम दिलाना और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में संचालित किया जाएगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य में कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगामी 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश होने की संभावना है। औद्योगिक निवेश उत्पादन तथा नियोजन को बढ़ावा देने के लिए श्रम नियोजन की रिजिडिटीज को कम करने हेतु राज्य सरकार ने फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट और मोरियस एक्ट में व्यापक सुधार किए जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। मुझे विश्वास है कि इन कानूनों में सुधार से राज्य में निवेश को बहुत बढ़ावा मिलेगा जिससे न केवल हमें औद्योगिक विकास तक बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि अधिक रोजगार वाले उद्योगों की स्थापना से अतिरिक्त रोजगार सृजन भी हो सकेगा। श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधन के लागू होने से भी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में सीधी नियुक्तियों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। इन संशोधनों के लिए इसी विधानसभा सत्र में आवश्यक विधेयक पेश किए जाएंगे तथा विधानसभा से पारित होने के पश्चात भारत सरकार को अनुमोदन हेतु पेश किए जाएंगे। खनन नीति 2011 खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने में विफल रही। राज्य में अनेक खनिजों के विशाल रिजर्व्स हैं, उनका दोहन कर हमें राज्य का विकास तथा रोजगार सृजन करना चाहिए। हम माइनिंग क्षेत्र प्रदूषण समाप्त करने के लिए जीरो वेस्ट खनन को बढ़ावा देंगे। राज्य की खनिज संपदा के पर्याप्त दोहन हेतु खनन उत्पादकता में वृद्धि के लिए हम नए खनन नीति शीघ्र ही घोषित करेंगे और राजस्थान माइनिंग मिनरल कंसेशन रूल्स को भी संशोधित किया जाएगा। इस नीति में समय पर उचित मजदूरी, उपयुक्त कार्य स्थिति और खनिज कर्मियों के अन्य अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। खनिज पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए आवेदन से आवंटन तक की समय प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। गत सरकार ने वर्ष 2009 में जनजाति क्षेत्र में खनन हेतु रिस्ट्रिक्टिव नीति लागू की थी। इस नीति में जनजाति क्षेत्र में ना तो खनन कार्य में गति आई और ना ही जनजाति निवासी लाभान्वित हुए। हमारी सरकार इस नीति का पुनर्वलोकन करेगी तथा इस क्षेत्र के लिए ऐसी नीति बनाएगी जिससे खनन में निवेश को आकर्षित किया जाए तथा इस क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित हो सके। राज्य के खनन जिप्सम केवल राज्य उपकरणों द्वारा खनन हेतु वर्ष 1980 से आरक्षित किया हुआ है। वर्ष 2007 में पीओपी उद्योगों को जिप्सम के कैप्चर यूज की शर्त पर जिप्सम खनन पट्टा जारी करने की अनुमति दी गई। उद्यमियों को बिना कैप्चर यूज की शर्त और किसानों को अपने खेत में उपलब्ध जिप्सम के खनन के लिए अन्य विधान मंजूर की तरह पट्टा देने की मैं घोषणा करती हूँ। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ बाड़मेर में एक रिफाइनरी कम पेट्रोल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए समझौता किया गया। राज्य सरकार ने इस कॉम्प्लेक्स के लिए 3736 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से 15 वर्ष तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने का कमिटमेंट कर लिया। इस प्रकार कुल 56,000 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज सहित ऋण देने का भार राज्य की जनता पर ला दिया गया है। हमने इस परियोजना की समीक्षा की है। इस परियोजना की अप्रेजल रिपोर्ट के अनुसार कमर्शियल प्रोडक्शन आने के 15 वर्ष की अवधि में इस परियोजना से 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ अर्जित हो जाएगा। वो भी तब जबकि अर्जित होने वाले लाभ के इन्वेस्टमेंट से कोई और आमदनी न हो। इतनी लाभकारी योजना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज रहित ऋण को देने का कमिटमेंट कर लिया गया, परंतु इस परियोजना में राज्य सरकार की अंश पूंजी मात्र 26% में रही। ये एक अनूठा पैकेज था जिसमें जरूरी हमारी पैसा भी हमारा, प्राकृतिक संसाधन भी हमारे, परंतु स्वामित्व हमारा नहीं। हम इस परियोजना को रीनेगोशिएट करेंगे। राज्य सरकार गेल इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित कंपनी राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करेगी। यह कंपनी राज्य के शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। साथ ही प्रारंभिक चरणों में वाहनों को सीएनजी सप्लाई
के लिए ग्रेट इंडिया लिमिट के साथ नीम राणा में एक फायर स्टेशन तथा जयपुर में एक डॉटर स्टेशन स्थापित करेगी। खरीफ और रबी मौसम में हमारे किसान भाइयों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हो सके इसके लिए वर्ष 2014-15 में 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया 50,000 मेट्रिक टन डीएपी तथा 50,000 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट का अग्रिम भंडारण किया जाएगा जिस पर 28,50,000 रुपए का व्यय होगा। राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का एक स्तंभ बंजर भूमि विकास की है। राजस्थान में 180 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है। वर्ष 2014-15 में समर्थन जल ग्रहण प्रबंधन कार्य के अंतर्गत 3,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 1,392 करोड़ की विकास योजना निर्धारित की गई। कृषि के संबंध क्षेत्र में उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान द्वारा भूमि इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में निवेश आवश्यक है परंतु मध्यम अवधि के ऋणों पर किसानों को 13-14% तक ब्याज देना पड़ता है। कृषकों को ऐसे निवेश करने में प्रोत्साहन देने हेतु सरकार सहकारी और गैर सहकारी बैंकों से लिए नए ऋणों पर 5% वार्षिक ब्याज अनुदान देने की नई योजना स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ और इस योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान कर रहा हूँ। भारत सरकार की जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में सोलर पंप से स्थापित करने पर 30% अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य में सोलर ऊर्जा से सिंचाई करने से न केवल स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि इसे बूंद बूंद स्प्रिंकलर पद्धति से जोड़ने से पानी का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। ऑफग्रिड आधार पर सोलर पंप से स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा 30% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2014-15 में 5 संस्थानों सोलर पंप से स्थापित करने पर भी अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है और इस योजना के लिए 119 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में 5 करोड़ 50 लाख से भी अधिक पशुधन होने के उपरांत भी पशुपालकों की जीविकोपार्जन में वृद्धि नहीं हो पा रही। यह पशुधन शांति की दृष्टि से अधिक है परंतु उत्पादकता की दृष्टि से अत्यंत मामला नहीं है। पशुपालकों की आय में वृद्धि हेतु आगामी 5 वर्ष में हमारा लक्ष्य होगा कि राज्य में दूध उत्पादन को 2 गुना और शीतलन क्षमता 3 गुना बढ़े। पशु चिकित्सा सुविधा हेतु कॉल सेंटर के मार्फत मोबाइल वेटरनरी सेवा टोंक जिले की 2 तहसीलों उनियारा तथा देवरी में पायलट योजना प्रारंभ की जाएगी। पशुओं की नस्ल सुधार हेतु निजी जन सहभागिता से परिणाम आधारित पशु नस्ल सुधार योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कुल 2,000 इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक प्रबंधन सेंटर स्थापित किए जाएंगे वर्ष 2014-15 में 1,000 सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे। इस योजना के लिए वर्ष 2014-15 के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य की जनता की भावना के अनुरूप गोसंवर्धन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पंचतंत्र के उपयोग को लोकप्रिय बनाने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने गौशाला विकास और संरक्षण तथा अभाव के समय चारे का प्रबंध करने संबंधी कार्य हेतु हमने गोपाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है। राज्य के किसानों को लघु अवधि फसली ऋण 4% की ब्याज की दर पर उपलब्ध हो सके इस हेतु सहकारी संस्थाओं की लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सहकारी बैंकों को राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिए जाने के लिए बजट में प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक दृष्टि से कमजोर राशि 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदाम निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए प्रति समिति की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के कमजोर और गरीब वर्गों को अनाज उपलब्ध कराने एक जिम्मेदारी का कार्य निपुण है लेकिन पिछली सरकार को हर चीज में यहाँ तक की जनता की सुख निटारने के लिए कोई गारंटी नजर आती थी। चुनाव देखते हुए आनंद आनंद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सूचियां बनाई गई जिसका परिणाम यह हुआ कि इन सूचियों में गलतियां अधिक थी और सही प्रशिक्षण कम। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून होने के बावजूद इंटरनेट से छेड़छाड़ की गई। सुराज संकल्प में किए गए वादे के अनुसार घोषणा करती हूँ कि राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य हमारी सरकार करेगी। राजस्थान में लेकिन फिर भी पिछले 5 वर्षों में विदेशी पर्यटन
राजस्थान को भारत का पर्यटन होना चाहिए। यहाँ पर्यटन भी और अहम महत्वपूर्ण भी है। पर्यटन से न केवल सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है बल्कि इससे नौकरियां मिलती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि पर्यटन में निवेश किए गए हर रुपए द्वारा उसका कुल पुनर्जन्म मिलता है। राजस्थान के लिए पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर्यटन एक साइड इश्यू नहीं बल्कि एक सीरियस बिजनेस है। दुर्भाग्यवश सदन में उपस्थित कुछ सदस्य पर्यटन को नाश करना कहकर बर्खास्त कर देते हैं। ऐसी छोटी सोच का ही नतीजा था कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बिंदु बनाने के लिए हमने जो राजस्थान दिवस को विकसित कर रूप दिया था उसे नाश कारक समझकर खत्म कर दिया। राजस्थान भी केंद्र बिंदु से एक राज्य अंतरिक्ष पर्यटन पहचान बनती है। जैसे स्पेन का चौमाटी हो फेस्टिवल है या गोवा का कार्निवल। राजस्थान दिवस को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर लाने के लिए पुनः शुरू से प्रयास करना होगा। राजस्थान दिवस अधिवेशन को पुनः बड़े स्तर पर शुरू करने की मैं घोषणा करती हूँ। पर्यटन विकास इसकी विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पर्यटन प्रभाव बढ़ाने के लिए कई नए कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहे हैं। सामर क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विशेष विकास किया जाएगा जिसमें शाकंभरी माता देवयानी कुंड शर्मिष्ठा सरोवर दरगाह जैन मंदिर नालियासर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सामर कस्बा आदि में 37 करोड़ 65 लाख की लागत से आधारभूत पर्यटन सुविधाएं सड़क निर्माण बर्ड वॉचिंग डेक इत्यादि के कार्य करवाए जाएंगे। गोरवा क्षेत्र में पानी जालों और सिवरी के अनुकूल निर्माण तथा हवाई बांधों और बावड़ियों आदि का विकास किया जाएगा। इस पर 6 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यय होगा। अलवर जिले की मोसी रानी जल्दी सागर किशनपुर सिरे से जैसलम नट्टी का बारा भीम की डूबी आदि के विकास को 570 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। बूंदी स्थित रामेश्वर मंदिर जैसा झील सुख महल नवसागर आदि के विकास का 95 करोड़ 93 लाख रुपए का व्यय होगा। रणथंभौर अभयारण्य क्षेत्र को 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। राम मंदिर और परिश्रम जी
सहित प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर पदयात्राओं के माध्यम से तीर्थाटन करने यात्रियों की सुरक्षा और श्रद्धा के संरक्षण के लक्ष्य से पदयात्रा मार्गों का समुचित विकास किया जाएगा। मैं रिपोर्ट कार्य से पूरा पुष्कर अजमेर नामद्वारा और कैला देवी करौली जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुनियोजित जनपद विकास के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करती हूँ। भारत और हमारा देश दोनों ही आर्थिक कार्यो में युवाओं की धरती है। जैसा कि आप सब जानते हैं राजस्थान के भारत से 39 लाख जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 34% है। मेरा मानना है कि राज्य की जनता आज सम्मान से अपना जीवन जीता जीना चाहती है। आप अपने योजनाओं की अपने बलबूते पर ही अपनी क्षमता और साधनों का उपयोग कर अर्जित करना चाहती है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में लेबर फोर्स लगभग 3 करोड़ है, इसमें से 33 लाख बेरोजगार है। दूसरी ओर 2004-05 से 2009-10 तक रोजगार में वृद्धि मात्र 0.67% वार्षिक वृद्धि हुई है। आने वाले समय में लेबर फोर्स की संख्या में हर वर्ष लगभग 8 लाख की बढ़ोतरी होगी। अगर रोजगार की दर 0.67% ही नहीं तो 2019-20 तक राजस्थान में 46 लाख बेरोजगार हो जाएंगे। इस स्थिति को भांपते हुए मैंने वर्ष 2004 में राजस्थान मिशन ऑन लर्निंग बोर्ड की स्थापना की थी। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना, रोजगार चाहने वालों को नियोजन के मिसमैच को कम करना और नियोजन संस्थाओं से लेकर उनकी आवश्यकताओं के आकलन के अनुरूप प्रशिक्षण देना इस मिशन के लक्ष्य थे। इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम सफल रहा, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के 5 वर्ष बाद तत्कालीन यूपी सरकार ने 2009 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की। इस घोषणा के अंतर्गत कार्यक्रम को डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी संस्था और विभिन्न उप योजनाएं बनाई गई। वास्तविक का क्या हुआ इसका आकलन करना कठिन है। इसके आकलन से लगता है कि वास्तविक व्यय नियोजन से अनुरूप नहीं हुआ है। अतः केंद्रीय स्कीम से सकारात्मक विधियों को सम्मिलित करते हुए हमने राजस्थान मिशन अधिकारियों की पुनः स्थापना की है। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम अब राजस्थान मिशन अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। युवाओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के माध्यम से अगले 5 वर्ष में 13 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया है। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITIS को अधिक मजबूत कर 2 लाख अतिरिक्त ट्रेनिंग रोजगार नीति तैयार किए जाएंगे। आधुनिक नवाचार आधारित कार्य प्रणाली द्वारा आगामी वर्षों में लगभग 2,50,000 परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक एक्सचेंजेस के पुराने ढांचे को परिवर्तित कर अत्याधुनिक कैरियर सेंटर के माध्यम से अप्रेंटिस योजना का सफल क्रियान्वयन कर नए तरीके से प्रत्येक जिले में जॉब मिले तथा आधुनिक योजना से लगभग 75,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में 5 वर्ष में 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसलिए हौसला पर नजर नहीं आएगा, प्यासे के पास चलकर समझ में नहीं आएगा, थक्कर में बैठे एक मंजिल की मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और उम्मीद का पत्र भी आएगा। मैं यह प्रश्न ITIS उपलब्ध नहीं हूँ इस हेतु 45 महीने ITIS सार्वजनिक क्षेत्र में खाता खोलने के बारे में राज्य में बेरोजगारों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मोटर मैकेनिक्स, पावर, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर जैसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम RSSDC के माध्यम से प्रारंभ किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा टूल किट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवार के चयनित एक योग्य छात्र छात्रा को ITIS पॉलिटेक्निक में कौशल विकास बिल्डिंग अगले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान कर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। राज्य में लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये पोर्टल एवं प्रणाली विकसित की जाएगी। इस प्रणाली के तहत कौशल प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं तथा प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों का ऑनलाइन डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का मिलान कर प्रदेश के युवाओं को उपयुक्त रोजगार अवसर प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। वर्ष 2014-15 में आजीविका परियोजना के अंतर्गत 15,000 स्वयं सहायता समूह द्वारा 2 लाख गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 90 करोड़ रुपए की सहायता राशि तथा बैंकों में 70 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। उदयपुर के झाड़ों ब्लॉक के सुल्तान जी का खेरवाड़ा ग्राम पंचायत में 1,500 गरीब किसान परिवारों को अदरक और हल्दी की खेती
और प्रोसेसिंग में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी वार्षिक आय में 30 से 40 हजार रुपए की वृद्धि की जाएगी। वह 2014-15 में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 70 विद्यालयों का चयन कर इन्हें भारत सरकार की सहायता से संचालित किया जाएगा। इस हेतु 1,70,63,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, क्रूड बर्थ रेट, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इत्यादि अभी भी राज्य की असंतोषजनक स्थिति को इंगित करते हैं। अधिकांश इंडिकेटर में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से नीचे है। महिला एवं नवजात शिशु के संबंध में स्थायी स्थिति काफी गलत है। पूर्ण नैतिक और समुचित सुविधाओं की व्यवस्था के बिना निःशुल्क दवा तथा निःशुल्क जांच योजनाओं की शुरू करने से राष्ट्रीय अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ा है। साथ ही पड़ोसी राज्यों के निवासियों के राज्य के अस्पतालों में उपचार के लिए भारी संख्या में आने के कारण भी अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई। इन दोनों योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की समीक्षा के साथ साथ यह आवश्यक है कि इंश्योरेंस के माध्यम से राज्य की गरीब और वंचित जनता को निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अतः मैं राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड मिलने के साथ साथ मिलने लगेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 67% परिवार लाभान्वित हो सकेंगे और ये राजकीय और अक्रेडिटेड निजी अस्पतालों में इंडोर पेशेंट के रूप में भी अपना उपचार कर सकेंगे। सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार 30,000 रुपए तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज होगा। ऐसे परिवारों को ओपीडी रोगी के रूप में निःशुल्क दवाएं और जांच की सुविधा भी मिलती रहेगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में 3 तरह की समस्याएं बर्थ डिफेक्ट होती है, डिफिशियंसी होती है डिजीज में और डेवलपमेंट डिले की जांच करवाई जाए। इस पर 30,18,00,000 रुपए का व्यय होगा। प्रदेश के सभी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने वाले निर्धन, कचरा पीने वाले बेघर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, मजदूर व अस्थायी प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना पर 140,72,00,000 रुपए का व्यय होगा। राज्य में आंखों तथा गुर्दे का प्रत्यारोपण सहित सभी मानव ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कार्य संचालन के लिए राज्य स्तर पर राज्य रजिस्ट्री प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जो मानव ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करेगा और अंगदाता से अंग प्राप्त करता हुए ट्रांसप्लांटेशन का रेगुलेशन करेगा। राज्य में सड़क दुर्घटना में हर साल लगभग 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। समय पर आवश्यक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर ही इन दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसे शीघ्र प्रचारित करने के उद्देश्य से मशीनरी तथा औजार क्रय करने हेतु 15,75,00,000 रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य सरकार सभी पंचायत समितियों में अंग्रेजी माध्यम के मॉडल विद्यालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करना चाहती है। भारत सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछली 186 पंचायत समिति में मॉडल विद्यालय स्थापित करने के लिए 3,02,00,000 रुपए प्रति विद्यालय का अनुदान 134 विद्यालय के लिए वर्ष 2010-11 में स्वीकृत किया गया। परंतु भारत सरकार के 71 मॉडल विद्यालय का कार्य शुरू कर सकी। इस दौरान मॉडल विद्यालय के निर्माण लागत बढ़कर 5,67,00,000 रुपए प्रति विद्यालय हो गई। हम भारत सरकार से वास्तविक लागत आधार पर पुनः स्वीकृति प्राप्त कर सभी 186 मॉडल विद्यालयों का निर्माण करेंगे। 66 विद्यालय निर्माण पूर्ण कर कक्षा 6 से 8 का संचालन सत्र 2014-15 से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा जिससे लगभग 15,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। अन्य 18 पंचायत समिति में भी सार्वजनिक निजी सहभागिता योजना अंतर्गत मॉडल विद्यालय निर्माण की योजना तैयार की जाएगी। वर्ष 2013-14 तक राज्य में 49,961 प्राथमिक विद्यालय, 23,108 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 8,837 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 4,418 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित थे। इनमें से 28,013 प्राथमिक
एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 30 से कम, यहाँ तक कि 142 प्राथमिक विद्यालयों में तो छात्रों की संख्या शून्य है, जबकि इनमें 251 शिक्षकों की कमी। एक और राज्य में डायरेक्ट एजुकेशन एक्ट की आवश्यकता से भी अधिक विद्यालय राज्य में स्थापित है, और दूसरी ओर राज्य में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में ट्रांजिशन दर केवल 14.9%, जो राज्य औसत से लगभग 10% कम है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और छात्राओं की लोअर लिटरेसी रेट चिंता का विषय है। मैं समझती हूँ कि गुणवत्ता और ट्रांजिशन रेट को बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। इस हेतु बिखरे हुए विद्यालयों का इंटीग्रेशन भी आवश्यक है, और विशेषकर छात्राओं की दृष्टि से अधिक एवं आसान एक्सेसिबिलिटी की भी आवश्यकता है। अतः इस वर्ष आवश्यकता अनुसार विद्यालयों का एकीकरण किया जाएगा। वर्तमान में केवल 3,439 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 838 अन्य ग्राम पंचायत में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं घोषणा करती हूँ कि शेष बची 4,900 ग्राम पंचायतों में निर्धारित मापदंड के अनुसार चरणबद्ध रूप से माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिए जाएंगे। होने पर जिन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, उनके निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाहनों के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार प्रदेश की सभी 177 ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने लिखने में गणित की मूलभूत गणित में दक्षता प्राप्त करने हेतु रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम चलाया गया। वर्ष 2014-15 में इसका विस्तार करते हुए विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु लर्निंग मैट्रिक्स बनाकर इनके अनुरूप बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सभी विषयों में विकसित करने के लिए यह कैंपेन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समस्त विषयों में शैक्षणिक स्तर का सतत ऑनलाइन सुपरविजन किया जाएगा। चुनावी लाभ देने के नियम से सरकार द्वारा 2013-14 में राष्ट्रीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश होने वाले 2,82,000 बालिकाओं को साइकिल के स्थान पर 2,500 रुपए की राशि मिलती थी। अधिकतर बालिकाओं को वास्तव में साइकिल नहीं थी, पर 2014-15 में राष्ट्रीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को नगद राशि के स्थान पर साइकिल प्रदान की जाने की घोषणा कर दी। भारत सरकार नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम कराया जाता है, जिसमें पूरे देश में 1,000 विद्यार्थियों को चयनित कर कक्षा 11वीं तथा 12वीं के लिए प्रतिमाह 1,250 रुपए तथा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों से चयनित होने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा दी जा रही राशि के समान छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा करती है। साथ ही राज्य में वर्तमान विज्ञान प्रतिभा कोष परीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा 9 एवं 11 के बच्चा विद्यार्थियों हेतु विज्ञान और गणित विषय में राज्य प्रतिभा कोष परीक्षा के नाम से परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस परीक्षा में राष्ट्रीय विद्यालयों से चयनित होने वाले प्रथम 100 विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए NTS की तर्ज पर छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा करती है। शिक्षा का अधिकतर अधिनियम के तहत वर्ष 2013-14 में कमजोर वर्ग के 2,27,256 विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई गई। सत्र 2014-15 में कमजोर वर्ग के 3,50,000 विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, और इस पर 162,50,000 रुपए का व्यय होगा। राज्य में प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर व्यापक संख्यात्मक विस्तार हुआ है, गुणवत्ता की दृष्टि से राष्ट्रीय विद्यालयों में आधुनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तकनीक के माध्यम से शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ताकि स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके तथा विभिन्न लेसन एवं अन्य सामग्री वीडियो और इंटरैक्टिव रूप में उपलब्ध हो सके। इसके लिए राजस्थान स्कूल एजुकेशन पोर्टल की स्थापना की घोषणा करती है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी, तत्पश्चात जिला परिषद द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा से गुजरना पड़ता था। अध्यापक पात्रता परीक्षा तथा अध्यापक भर्ती के प्राप्त अंकों को मिलाकर अध्यापक भर्ती की जाती थी। अब उक्त दोहरी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर केवल एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी,
जो कि रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी एग्जाम टीचर के नाम से जानी जाएगी। मुझे अवगत करते हुए खुशी हो रही है कि रीच लागू कर हमने सुधार संगठन का अपना वादा पूरा किया है। अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप उपलब्ध कराते हैं। IIM, IIT, NIT व इस तरह के अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से ऐसे संस्थान में चयनित होने वाले राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को जिनके माता पिता की आमदनी 5 लाख रुपए वार्षिक से कम हो उन्हें प्रतिवर्ष की संपूर्ण फीस के 50% राशि के बराबर स्कॉलरशिप देने की घोषणा करते हैं। वर्तमान में राज्य में कृषि संकाय में ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन कर रहे छात्राओं को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की स्कॉलरशिप का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की ग्रांट की घोषणा कर रही है। राज्य द्वारा चलाई जा रही पोस्ट मेट्रिक तथा महाविद्यालय स्तर की स्कॉलरशिप योजनाओं का प्रबंधन हेतु मैं एक राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन फाउंडेशन के गठन की घोषणा करती हूँ। वर्ष 2014-15 से राज्य के 100 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों को शिशु पालन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ पर 6 वर्ष तक के बच्चों की रोज 8 घंटे के लिए देखभाल दी जाएगी। वर्ष 2014-15 में इस गतिविधि पर 2 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। ICTS सेवाओं के माध्यम से माँ और बच्चे की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए फील्ड कर्मियों के उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शन को सम्मानित कर उन्हें प्रेरित करने के लिए परियोजना स्तर पर माता योजना पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। माता योजना पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5100 रुपए, आंगनवाड़ी सहायिका तथा आशा सहयोगी को 2100 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रदेश की बालिका तथा महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम न हो, उन्हें शिक्षा और रोजगार समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ हम उन्हें स्वयं की सुरक्षा के लिए भी सशक्त करेंगे। अतः गुजरात की टक्कर योजना के तहत बालिका तथा महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आरंभ करने की घोषणा करते हैं। वर्तमान में राज्य में 40 महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों का संचालन NGO के माध्यम से किया जा रहा है। इन केंद्रों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन NGO को दी जा रही सहायता राशि में 30 से 45,000 रुपए की वृद्धि इनके वर्क लोड के आधार पर किए जाने की घोषणा करती है। हमने वर्ष 2007-08 में राजस्थान राज्य जनजाति योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्रामीण युवा केंद्र स्थापना की घोषणा की थी। इस अभिनव योजना को अकारण बंद कर दिया गया था। मैं इन ग्रामीण युवा केंद्रों को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ और साथ ही अन्य पंचायत समितियों में भी इन्हें चरणबद्ध रूप से प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स अकादमी जनसभा सभागता के आधार पर स्थापित की जाएगी। बीकानेर कार्य स्टेडियम बड़ो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा सालू स्पोर्ट्स स्कूल के विकास और संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन किया गया है। जयपुर शहर में स्थित ऑर्गेनाइज आर्चरी शूटिंग इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सुधार और विकसित कर नाइट शूटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रॉनिक टार्गेट लगाए जाएंगे। जयपुर शहर में 6 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट भी बनाए जाएंगे। निजी क्षेत्र के सहयोग से 18 जयपुर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावास आवासीय विद्यालय गांधी बालिका गृह आदि के आवासियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवास भोजन वस्त्र पठन पाठन इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मैं इन संस्थान के भत्ते की राशि को 1,750 रुपए से बढ़ाकर 1,900 रुपए की घोषणा करती हूँ। भारत सरकार की सहायता से राज्य में स्टेट लेवल स्पाइनल इंजरी सेंटर खोलना पूरा जाना प्रस्तावित है। 12 शहरों का यह केंद्र सवाई चिकित्सालय में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार की सहायता से राज्य में विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। यह केंद्र राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान जयपुर में खोला जाएगा। उन
उनमें कार्य से संबंधित दक्षता का विकास किए जाने के लिए राजस्थान कौशल आजीविका विकास संघ द्वारा विशेष कौशल विकास केंद्रों का मुख्यता श्रवण विकलांगता पैरों की विकलांगता मध्य विकलांगता के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जनजाति क्षेत्र के 6 साल से 12 साल के बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तथा कक्षा 4 तक शिक्षा देने हेतु महामारी योजना के विद्यालय वर्तमान में 1000 से अधिक केंद्र चल रहे हैं। चालू वर्ष में 250 महामारी केंद्र और खोले जाने की घोषणा कर दी। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को गुणात्मक तथा उच्च शिक्षा के लिए 20 कन्या आश्रम छात्रावास खोले जाएंगे। राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के निवासियों को सेवाएं वित्तीय सहायता और अन्य परिवार उपलब्ध कराती है। राज्य की योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके, सही समय पर उपलब्ध कराया जा सके तथा बिना किसी असुविधा व भ्रष्टाचार के उपलब्ध कराया जा सके, यही सही मायने में प्रशासन है। राज्य की योजनाओं का लाभ शीघ्र और सुरक्षित सीधे संबंधित निवासियों तक पहुँचा सके, उसके लिए राज्य के डिलीवरी सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पर 2008 में हमने एक दूरदृष्टि की योजना भामाशाह प्रारंभ की थी। यह योजना महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रेरित थी और राजस्थान के सभी गरीब परिवारों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्य को पूर्ण करने की दृष्टि से बनाई गई थी। जब हमने सरकार छोड़ी तब तक 29 लाख खाते खुल चुके थे और 10 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 160 करोड़ रुपए बैंकों का हस्तांतरित भी कर दिए गए। लेकिन आने वाली सरकार ने इस योजना को नहीं चलाया, जिससे कि बैंकों को हस्तांतरित किए गए रुपयों का लाभ राजस्थान की गरीब महिलाओं को नहीं मिलकर केवल बैंकों को हुआ, वो भी 5 वर्षों तक। हमारे देखा है कि तत्कालीन यूपी सरकार ने 2009 में आवास स्कीम कार्य की, लेकिन आवास स्कीम केवल एक आइडेंटिटी स्कीम बनकर रह गई। न तो इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का होना आवश्यक है और न ही इसमें यह आवश्यक है कि बैंक खाते महिलाओं के नाम खुले। आवास स्कीम में भिन्न भाव से भिन्न आवासीय योजना एक एंड टू एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी है, जिसके माध्यम से कैश और नॉन कैश दोनों तरह के बेनिफिशियरी को पहुंचाए जा सकते हैं। अगर ये डिलीवरी सिस्टम को सुधारने का एक शक्तिशाली कदम है, भारत सरकार भी अब इस योजना को अपनाने की सोच रही है। अतः मैं हर्ष और ह्यूमिलिटी के साथ भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। जो महिला विरोधी निर्णय हुआ था उस क्षति को पूर्ण करने की दृष्टि से मैं अब ये भी घोषणा करती हूँ कि भामाशाह कार्ड के साथ राज्य के अन्य किसी कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो रहे प्रत्येक बीपीएल परिवार की महिला को 1500 रुपये नहीं बल्कि 2000 रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं के खाते में 2 किश्तों में किया जाएगा। इस बार भामाशाह योजना अधिक विस्तृत परिषद तथा वृहत होगी। इस राज्य हम राज्य के प्रत्येक परिवार तक पहुंचेंगे। राज्य के प्रत्येक परिवार को बायोमेट्रिक पहचान सहित कॉल बैंकिंग इनेबल्ड बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 16 अगस्त 2014 से पूरे राज्य में तथा 1 सितंबर 2014 से उदयपुर संभाग में विशेष सामान्य अभियान चलाया जाएगा। भामाशाह योजना में इस वर्ष 600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ताकि सभी परिवारों के मुखिया को राज्य सरकार 1 पहचान पत्र भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मेरी धारणा है कि इस वर्ष अंत तक राज्य के सभी परिवारों को राज्य की सभी योजनाओं का भामाशाह योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाए पहचान पत्र और भामाशाह नेटवर्क के माध्यम से सीधे वितरित करने की व्यवस्था हो जाएगी। पात्र व्यक्तियों को ही योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए भामाशाह योजना के विशेष नामांकन अभियान के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राशन कार्ड धारकों का भी सत्यापन कराया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग करने हेतु राजनय परियोजना द्वारा वर्ष 2014-15 में 9,177 ग्राम पंचायत को जोड़ने तथा समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों पर IP पोर्ट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को 35 विभागों की 50 सेवा उनके निवास के निकट की ई मित्र केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2014-15 में इन सेवाओं का विस्तार कर 100 किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पंचायत पर एक IT सर्विस सेंटर खोला जाएगा। पूर्व में समस्त जिला मुख्यालयों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रारंभ की गई थी। इस सुविधा को अब पंचायत समिति स्तर तक बढ़ाया जाएगा। लोगों की समस्या के तीव्र सरल और सिस्टमैटिक निराकरण के लिए हमने राजस्थान संपर्क का पोर्टल स्थापित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जन सुनवाई और अन्य सभी जनसंपर्क माध्यमों का समावेश किया जाएगा, जिससे एक ही मंच पर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके।
राज्य के लिए एक जीआईएस प्लेटफॉर्म तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिससे सभी को आवश्यक सूचना नियमित रूप से संबंधित नक्शे पर चिन्हित रूप में प्राप्त हो सके। इस परियोजना हेतु वर्ष 2014-15 में 8 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। परिवहन विभाग द्वारा आम जन को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने तथा वाहन स्वामियों को कर जमा कराने हेतु त्वरित पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के समस्त कार्यालयों का आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, आवास मंडल और नगर पालिका द्वारा नागरिकों को रोजगार रूप से सुविधा प्रदान किए जाने के लिए व्यापक कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और अनेक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी संभागीय मुख्यालयों में लैंड बैंक को गूगल मैप पर तैयार कर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान आवास मंडल की योजनाएं से राज्य की सभी आवासीय योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था चरणबद्ध रूप से दिसंबर 2015 तक लागू की जाएगी। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में नीलामी योग्य भूखंडों की ई ऑक्शन की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। नए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट के व्यय में राजस्थान में उचित परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। इस हेतु राजस्थान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल स्थापित किया जा रहा है। यह पोर्टल राज्य की एक सोसाइटी या कंपनी द्वारा राज्य के युवा प्रोफेशनल्स के साथ पीपीपी मोड पर तैयार किया जाएगा और मुझे विश्वास है कि इस पोर्टल से राज्य में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास में इन कंपनियों की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी। हम सुशासन द्वारा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक सार्थक प्रयास करेंगे। समय की आवश्यकता है कि हम पारदर्शिता बनाए रखें, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि सुनिश्चित करें तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से हो। राज्य सरकार इस उद्देश्य से गुड गवर्नेंस बिल लाएगी। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रशासनिक यूनिट्स पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, पीडीओ इत्यादि के भौगोलिक क्षेत्र का अलग अलग होने से आम जनों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हमने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो जिले, उपखंड, पुलिस उपखंड, तहसील, पंचायत समिति, राज्य के पुनर्गठन तथा जिले के संबंध में तथा इन प्रशासनिक यूनिट्स के क्षेत्र का गवर्नेंस करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामला विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों से लाभान्वित होने वाला वर्ग लगभग समान है। यह देखा गया है कि इन छात्रावासों की संचालन प्रक्रिया, स्वीकृत स्टाफ पैटर्न तथा आवासों को उपलब्ध कराए जा रहे सुविधाओं में एकरूपता नहीं है। अतः विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किए जा रहे छात्रावासों की सुविधाओं में एकरूपता लाने तथा इनकी संचालन व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं इन छात्रावासों के समुचित प्रबंधन हेतु एक निर्माण कराया जाएगा। राज्य के कई जिले शहरों के बीच में आ गए हैं
उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही जेलों की कमी व अन्य कारण से इन जेलों में वांछित न्यूनतम सुविधा भी उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। इन जेलों में सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित तथा एनसीसी के साथ दिया जा रहा है, जो पंजीयन के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय को केंद्रीय कारागार जयपुर तथा जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ा जाएगा। राजस्थान के सभी अधिनियम और उनके अधीन निर्मित नियमों को डिजिटाइज कर कोडिफिकेशन करने का कार्य इस वर्ष प्रारंभ किया जाएगा तथा इन्हें वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। भवानीमंडी में वर्तमान में एडीजी कैंप कोर्ट संचालित है। नियमित कोर्ट का होने के कारण अभिभाषक एवं आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ता है, अतः भवानीमंडी में नियमित एडीजी कोर्ट खोलने की मैं घोषणा करती हूँ। वर्ष 2013-14 में 43 उपकरण स्तर के कार्यालय खोले गए। वर्ष 2014-15 में इन 43 कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए 48 उपकरण कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाएगा तथा इन कार्यालय हेतु आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। 95 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। हनुमानगढ़ जिले में नई उपनिवेशी तहसील भादरा में सुजित करने की मैं घोषणा करती हूँ। राज्य में भू दस्तावेजों के लेखन अपडेशन और नक्शे का कार्य कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। अगले 3 वर्ष में राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सर्वे एवं आधुनिक यंत्रों से डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। साथ ही राज्य में ऑनलाइन जमाबंदी की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे जमाबंदी सदैव अपडेट रहेगी। ऑनलाइन जमाबंदी की इस व्यवस्था के से अन्य राजस्व रिकॉर्ड जैसे गुलामी धार बांस आदि भी कंप्यूटरीकृत किया जा सकेगा। इस कार्यालय में लगभग 800 करोड़ रुपए का व्यय होगा और इस नवीन व्यवस्था के लिए पटवारियों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिले में प्रशासनिक तंत्र का मुख्य केंद्र कलेक्ट्रेट होता है। मेरे गत कार्यकाल में मैंने कुछ जिलों में कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया था। राज्य में तेज मैनर में सभी जिला कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय परिसर के रूप में आधुनिक सुविधाएं युक्त बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। राज्य के सरकारी प्रशासन राज्य में सभी पंजीयन कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सभी दस्तावेज पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन प्रक्रिया से पंजीकृत किए जाएंगे एवं सभी प्रकार के भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया से भी हो सकेंगे। प्रथम चरण में 40 उपस्थित कार्यों का पूर्ण कंप्यूटराइजेशन 31 दिसंबर 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया से पूर्ण होने पर भूमि प्रकरणों के में पंजीयन कार्य सीधे तहसीलों को जमाबंदी में नामांतरण हेतु भेजा जा सकेगा। पंजीयन विभाग को पुनर्गठित भी किया जाएगा। राज्य प्राप्तियों से संबंधित प्रमुख विभाग जैसे वाणिज्य कर प्रबंधन पंजीयन एवं मुद्रा और आबकारी कार्यालय में आने वाले करदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं और बेहतर टैक्स पेयर एक्सपीरियंस हेतु फर्नीचर कंप्यूटर एजेंट इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन सुविधाओं के लिए प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा है। अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए लागू राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी के अनुरूप 2 लाख रुपए के बीमा दर की स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी साधारण बीमा निधि द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कैशलेस सुविधा पूर्वक 7 गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए जारी रहेगी। अधिसूचित पत्रकारों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी की वित्तीय सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। अधिसूचित फोटो जर्नल्स के लिए पृथक से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अनुरूप जारी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के असमान भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ साथ राज्य सरकार में की गई सेवा के बदले में पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। राज्य में वर्तमान में 2 पारिवारिक पेंशन के पात्र बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा 12,425 रुपए प्रतिमा है तथा साधारण दर पर 7,455 रुपए प्रतिमा है। इसे बढ़ाकर क्रमशः 38,500 रुपए प्रतिमा तथा 23,100 रुपए प्रतिमा की जाएगा। राज्य सेवा के पेंशनर्स को सरकारी कर्मचारी जैसे चिकित्सा सुविधा देना हेतु वर्तमान योजना में संशोधन कर राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2014 लाई जाएगी। पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर के लिए वर्तमान आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने की घोषणा करती हूँ। फिक्स्ड वेतन पर प्रोबेशनर ट्रेनिंग की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर राज्य सेवाओं के ऐसे कुछ पद जहाँ सेवा के न्यूनतम पद से उच्चतर पद पर सीधी भर्ती की जाती है पर नियुक्ति 1 साल के प्रोबेशन पर की जाएगी। ऐसे प्रावधान राज्य कंपनी से यूनिवर्सिटी से भी किए जाएंगे। राजकीय सेवाओं में प्रोबेशनर को निश्चित लघु अवधि के लिए नियोजित करने हेतु राजस्थान शॉर्ट टेन्योर फिक्स्ड पीरियड सर्विस बोर्ड की लागू की जाएगी।
चतुर्थ राजनीति आयोग सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में पंचायती राज संस्थाओं को 2074 करोड़ रुपए एवं नगर पालिकाओं को 688 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को 778 करोड़ रुपए विशेष अनुदान दिया जाएगा। मुझे आशा है कि इस अंतरण से इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। मेरी अपेक्षा है कि पंचायतें तथा नगर पालिकाएं नागरिकों को विशेष तौर से पेयजल सफाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। मैं पंचायती राज संस्था एवं स्थानीय नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए वित्तीय हस्तांतरण के संबंध में सिफारिश देने के लिए पंचायती राज आयोग के गठन की घोषणा करते हैं। हमारी सरकार के गत कार्यकाल में वर्ष 2006-07 में एफआरडी एक्ट में संशोधन कर राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन नीति का सृजन किया गया था, किंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को वर्ष 2009 में समाप्त कर दिया गया। एक जिम्मेदार सरकार के नाते मैं वित्त विधेयक के माध्यम से एफआरडी एक्ट संशोधन प्रस्तावित कर इस नीति को पुनः सृजित करने की घोषणा करती हूँ। हमने इस वर्ष वेबसाइट के माध्यम से जनता के से सीधे बजट संबंधी प्रस्ताव ऑनलाइन आमंत्रित करने की पहल की। राज्य के निवासियों द्वारा इस तरह का स्वागत करते हुए 3,256 सुझाव दिए। हमने सुझाव पर विचार कर उपयोगी सुझाव बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल किए। मुझे विश्वास है कि बजट प्रक्रिया में भागीदारी की इस उपयोगी परंपरा के माध्यम से हमें आगे भी उपयोगी सुझाव मिलते रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बजट दस्तावेज के साथ एक नवीन दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे इस बात से हमेशा हैरान किया है मुझे इस बात ने हमेशा हैरान किया है कि राज्य के पड़ोसी देश गुजरात में कम से कम 15 राष्ट्रीय कंपनियां 100 एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, परंतु हमारे राज्य की एक भी राष्ट्रीय कंपनी लिस्टेड नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बाजार से पूंजी एकत्रित करने में न केवल संबंधित कंपनियों को अधिक पूंजी प्राप्त हो सकती है, बल्कि राज्य सरकार को भी अपनी इक्विटी के डिसइन्वेस्टमेंट करने में भी मदद मिल सकती है। एथेलेट आरएसएम रिको आरएसआरडीसी में राज्य सरकार इक्विटी के 10-25% का लिमिट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तथा इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बजट केवल लुभावनी घोषणाएं करने का माध्यम बनकर रह गया। घोषणाओं की पूर्ति और कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। घोषणाएं करने पर ही मानव सारी ऊर्जा केंद्रित थी। मेरा बजट एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है जो कि राजस्थान को अगले 10 वर्ष में एक विकसित राज्य बनाने का विजन रखता है। राज्य में योजनाओं की कमी नहीं है, कमी है तो योजनाओं का लाभ टारगेटेड ग्रुप्स को नहीं मिलता है। अतः हमको अपने डिलीवरी सिस्टम पर पुनः विचार कर इसको सुधारना होगा। जिन सोच और नीतियों से 67 साल में हो सकने वाली प्रगति नहीं हुई, उस सोच अप्रोच को बदलना होगा। हमें नए रास्ते और कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन हेतु नए डिलीवरी सिस्टम बनाने पड़ेगा। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई एस्टैब्लिश वेस्टेड इंटरेस्ट अपने आप को असुरक्षित व थ्रेटन महसूस करेंगे। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में फर्क है। हमारे प्रधानमंत्री जी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का रास्ता हमको दिखा चुके हैं। सरकारें आ जा सकती हैं, लेकिन देश को अच्छे गवर्नेंस की सदैव आवश्यकता रहेगी। यह बजट गुड गवर्नेंस की ओर मेरा अगला कदम है। मैं सदैव सभी से अपील करती हूँ कि राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाने के रास्ते पर आओ, हम सब साथ चलें और इस क्रम में सबका साथ सबका विश्वास यही हमारा न्याय है। कृपा ईश्वर की हम पर आवाम का सहारा है। आओ साथ चलें, कदम से कदम मिलाकर हम राजस्थान को अव्वल बनाना ये संकल्प हमारा है। कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय करों से संबंधित सभी विषयों पर व्यापक विचार विमर्श हेतु हमने बजट निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक पार्टिसिपेटरी बनाते हुए टैक्स अथॉरिटी कमेटी से चर्चा के साथ साथ इस वर्ष कर विशेषज्ञों औद्योगिक और व्यापारी संगठनों किसानों स्वैच्छिक संगठनों महिलाओं और उपभोक्ता संगठनों सहित पहली बार युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी और प्रोफेशनल से भी विस्तृत विचार विमर्श किया। टैक्स कंप्लायंस को सुनिश्चित करने के साथ टैक्स पेयर्स एजुकेशन फैसिलिटेशन एंड टैक्स सिंप्लीफिकेशन कर प्रशासन के पिलर्स होंगे।
करों के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि राज्य में उद्योग व्यवसाय व्यवसाय हो निवेश में वृद्धि हो और रोजगार के अवसर में व्यवस्था लाने हेतु कार्य कर रही है। हमारी सरकार देश विदेश में जीएसटी व्यवस्था लागू करने के पक्ष में है। मैंने इसे शीघ्र लागू करने हेतु अपना समर्थन केंद्र के समक्ष व्यक्त किया है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर देश में इनडायरेक्ट व्यवस्था में टैक्सेस की कैस्केडिंग और मल्टीप्लिसिटी समाप्त होने के साथ ही कर का सरलीकरण भी हो सके। निश्चित ही इसका लाभ व्यापार और उद्योग जगत के साथ साथ जन साधारण को मिलेगा। जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की अग्रिम तैयारी करने और सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करने के लिए मैं एक जीएसटी कंसल्टेशन कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखती हूँ। वैट प्रणाली सेल्फ असेसमेंट पर आधारित है। इसकी सफलता हेतु डीलर को कर कानून की जानकारी देना आवश्यक है। ये जरूरी है कि विभिन्न कर्तव्यों के संबंध में डीलर को उचित मार्गदर्शन समय पर प्राप्त। इस समय इस हेतु हम उनके साथ लगातार संवाद कायम रखेंगे तथा विभिन्न स्तरों पर बैठे और कार्यशाला आयोजित करेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट का भी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। कम्युनिकेशन वन वे न होकर टू वे और इंटरएक्टिव हो इस हेतु सोशल मीडिया का भी प्रयोग उपयोग प्रस्तावित है। राज्य के व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े 4 लाख से अधिक डीलर्स द्वारा कर भुगतान रिटर्न फाइल करने विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स आदि जारी कराने और असेसमेंट कराने से अनेक प्रक्रियाओं में वाणिज्य कर विभाग से इंटरफेस होता है। डीलर के साथ चाहे संभव हो जहां तक संभव हो विभाग के ह्यूमन इंटरफेस को समाप्त किया जाए। मेरी सरकार का निश्चित प्रयास होगा कि डीलर्स का राज्य सरकार के साथ काम काज में इंटरेक्शन एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो। इस दृष्टिकोण से ई गवर्नेंस अभी महत्वपूर्ण है। हम सुनिश्चित करेंगे कि टैक्स पेयर को सभी सेवाएं यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो। वे एनीवेयर एनीटाइम या घर बैठे 24/7 सरकार संबंधित समस्त कार्य सरलता और सुगमता से संपादित कर सकेंगे। पहले तय किया है कि 31 मार्च 2016 तक वैट संबंधी समस्त कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो। ई प्रशासन के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैं कुछ प्रस्तावों का उल्लेख करूंगी। 1 अप्रैल 2015 से समस्त असेसमेंट ऑनलाइन किए जाएंगे। विभाग के डिमांड कलेक्शन रजिस्टर को डिजिटलाइज किया जा रहा है तो इसे डीलर की सुविधा हेतु 30 जून 2015 तक ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे डीलर को उनसे संबंधित बकाया की सूचना हर समय ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित समस्त देय राशि ई ग्रास के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही व्यवहारियों को रिफंड भी इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाना प्रस्तावित। जिला की सुविधा हेतु समस्त आदेश नोटिस प्रमाण पत्र आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट तथा टैक्स पेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया जाना प्रस्तावित। विभिन्न सेवाओं का आवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित। इसमें निम्न सेवाएं प्रमुख हैं। पंजीयन एवं पंजीयन में संशोधन और निरस्तीकरण हेतु आवेदन, ड्यूप्लीकेट पंजीयन हेतु आवेदन, कर निर्धारण आदेश में संशोधन हेतु आवेदन, एक्सपायरी पालक कर निर्धारण आदेश खोलने हेतु आवेदन, कॉम्पनशन स्कीम हेतु आवेदन, डीलर द्वारा वन टाइम अंडरटेकिंग प्रस्तुत किए जा रही शर्त पर अधिकांश दस्तावेज विशेषतः रिटर्न जमा करने के बाद हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त किया जाना प्रस्तावित। हमारा प्रयास है कि व्यवहारियों को अपने कार्यों के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थित नहीं होना पड़े, परंतु फिर भी जो व्यवहारी किसी कार्यवश विभागीय कार्यालय में आना चाहे और अपने किसी कार्य हेतु विभागीय अधिकारियों की मदद चाहे तो उनकी सुविधा हेतु मैं प्रथमतः समस्त जोनल कार्यालय में पीपीपी मोड में डीलर रजिस्ट्रेशन सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। ये सेंटर विभागों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी सहायता और मार्गदर्शन भी करें। वर्तमान में विभागों को वैट एक्ट, एंटीटैक्स एक्ट, लग्जरी टैक्स एक्ट एवं सीएसटी एक्ट के अंतर्गत पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके पंजीयन कराना पड़ता है। विभागों की सुविधा हेतु एक ही आवेदन पत्र के आधार पर इन सभी अधिनियमों के तहत पंजीयन किए जाने की सरलीकृत व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्ताव है। राष्ट्रीय व्यय पर भुगतान संबंधित टीडीएस प्रावधान की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इनसे संबंधित टीडीएस के प्रावधानों को वैट अधिनियम व नियम से हटाया जाना प्रस्तावित है। 3 साल से कम श्रेणी व मल्टी बेसिक श्रेणी के उद्योग द्वारा कुक्ड फूड के विक्रय पर 5% वैट की दर
ऐसे श्रेणी के होटल का स्पष्ट वर्गीकरण के लिए आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। डीलर विशेषकर वर्क कॉम्पैक्ट डीलर्स को रिटर्न भरने में आय कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से संबंधित फॉर्म को संशोधित प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्क कॉम्पैक्ट पर काम कराने वाले अवार्डर्स के लिए बैंक नियमों के अंतर्गत अवार्डर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर्स की सुविधा हेतु उन्हें अवार्डर्स द्वारा टीडीएस काटे जाने के बदले स्वयं अग्रिम कर जमा कराने का विकल्प भी दिया जाना प्रस्तावित है। अधिनियम नियम व नियमों में स्पष्टता हेतु कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऑनलाइन रिटर्न फाइल की तिथि के 15 दिन में एक्नॉलेजमेंट के हार्ड कॉपी जमा नहीं करने की स्थिति में इसे नॉन फाइल रिटर्न माना जाता है। पुराने मामले में विलंब से एक्नॉलेजमेंट के हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक को रिटर्न फाइल करने की दिनांक माना जाना प्रस्तावित है। रिटर्न फाइल नहीं करने की स्थिति में भी रिटर्न देरी से फाइल करने पर देरी लेट फीस की तरह पेनल्टी लगाने का स्पष्ट प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न प्रकार के असेसमेंट हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा से संबंधित प्रावधानों में कुछ संशोधन प्रस्तावित है। इनपुट टैक्स में दिए जाने से पूर्व टैक्स डिपॉजिट की वेरिफिकेशन करने के संबंध में प्रावधान स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है। रिटर्न देरी से जमा करने पर ड्यू लेट फीस संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। फॉर्म वैट 11 में एनुअल रिटर्न फाइल करने वाले समस्त व्यवहारिक हेतु वित्तीय वर्ष समाप्ति से 90 दिन का समय सीमा निर्धारित है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट की परिधि में आने वाले डीलर्स को 30 सितंबर तक ऑडिट करवाने का समय होता है। इस प्रकार के डीलर्स को फॉर्म वैट 11 में एनुअल रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु 9 माह का समय दिया जाना प्रस्तावित है। फॉर्म वैट 10A में एनुअल रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा भी 9 माह किया जाना प्रस्तावित है। वैट अधिनियम के अंतर्गत ट्रेडर्स के पंजीयन हेतु टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरर्स हेतु सीमा 2 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर्स हेतु थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में वैट अधिनियम के अंतर्गत 6 विभिन्न श्रेणियों की कॉम्पोजिशन स्कीम लागू है। इन सभी स्कीम का सरलीकरण कर इन्हें व्यवहारिक एवं सुविधाजनक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही कॉम्पोजिशन राशि देरी से जमा कराने पर होने वाली कठिनाई के निराकरण के लिए सराफा और जेम्स एंड स्टोन कॉम्पोजिशन स्कीम में संशोधन कर स्कीम का लाभ डीलर को दिया जाना प्रस्तावित है। वैट अधिनियम के तहत विभागों को देय रिफंड पर संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 13 माह पश्चात से ब्याज देने का प्रावधान या ब्याज संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दिए जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान व्यवहार द्वारा देरी से वैट जमा कराने पर 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से ब्याज देय